लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मामला गर्मा गया है। अब इस संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि आपकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है, इस पर आप अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें। राहुल गांधी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर भेजा है। 29 अप्रैल को नागरिकता निदेशक बीसी जोशी की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में राहुल गांधी से पूछा गया है कि एक कंपनी के दस्तावेज में आपकी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की गई है, इस पर आप सही तथ्य साझा करें। पत्र में लिखा है, सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि 2003 में यूके में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी में राहुल गांधी निदेशक हैं, साथ ही इस कंपनी में सचिव भी हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 2005 व 2006 में कंपनी द्वारा फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में आपकी, राहुल गांधी, जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और आपने अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की है। स्वामी की इस शिकायत का हवाला देते हुए नागरिकता निदेशक ने राहुल गांधी से कहा है कि ब्रिटिश नागरिकता की इस शिकायत पर आप तथ्य सामने रखें और यह पत्र मिलने के 15 दिनों के अंदर गृह मंत्रालय को अपना जवाब दें। इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उनके नामांकन पर भी आपत्ति की गई थी। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर 20 अप्रैल को राहुल गांधी के नामांकन की स्क्रूटनी 4 लोगों ने उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेजों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। हालांकि इसके 2 दिन बाद निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन को सही पाया। लेकिन अब यह मामला गृह मंत्रालय पहुंच गया है और राहुल गांधी से ब्रिटिश नागरिकता पर जवाब मांगा गया है।